संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान पर समस्त संविदा स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान पर समस्त संविदा स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु पाटीदार ने बताया कि हम अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी निरंतर रूप से हड़ताल पर रहे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी। हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आज श्रीमान अनुभाग अधिकारी महोदय राजस्व मनावर को अनुभाग के अन्य दो ब्लॉक गंदवानी और उमरबन बाकानेर के समस्त संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा सिविल हॉस्पिटल मनावर में एकत्रित होकर और रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रदान किया गया। युवराज सिंह जी ठीक है, आपका नाम बता दें। कमल पाटीदार। किस पद पे आप? लैब टेक्नीशियन। कितने वर्ष हो गए? 23 साल हो गए। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण, अन्य कर्मचारियों की तुलना में हमें आधा वेतन मिल रहा है और काम समान हो रहा है। हम काम समान करते हैं, वेतन आधा मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में हमें बहुत समस्या हो रही है, हमारे परिवार को पालन पोषण में बहुत समस्या आ रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, उनका संकल्प याद दिला रहे, उन्होंने संकल्प लिया था कि संविदा व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, उसको मैं समाप्त करूँगा। तो हम मामा जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना संकल्प पूरा करे और हमें नियमित करे। प्रतिभा जायसवाल RBS के MO के पद पे मनावर CSC में कार्यरत हैं। ये जो हड़ताल चल रही है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे दो सूत्री मांगे लेकर हम संविदा कर्मचारी सभी उतरे हैं, जिसके दो सूत्री मांगे ये है कि जो भी मध्य प्रदेश में NHM के तहत जो भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए और जो उनके कैडर में आते हैं उनको सबको उसी कैडर में नियमित किया जाए, और दूसरा है CHO को उनको MLHP के तहत कैडर के तहत उनको नियमित किया जाए, और जो भी प्रोग्राम में जो आते हैं जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उनका एक कैडर बनाकर उनको उस कैडर में उनको नियमित किया जाए, और दूसरा है कि जो भी 5 जून 2018 की जो मध्य प्रदेश शासन ने जो नीति लागू की थी जिसके तहत उन्होंने 90% वेतन में 90% समान कार्य समान वेतन और 90% वेतन पे नीति लागू की गई थी, वो अभी तक लागू हुई नहीं है, और जो भी अभी तक का 2018 से लेके अभी तक का जो उसका एरियर बनता है वो एरियर भी मिला सभी कर्मचारियों को मिले और नियमित कर, ये हमारी सबसे पहली मांग है। और दूसरी मांग है हमारी कि वो जो सपोर्ट स्टाफ है उनको जो आउटसोर्स के तहत निकाल कर उनको NHM में नियमित पद पे लिया जाए, और जो भी जो निष्कासित जो हमारे साथी है जो MPW मलेरिया MPWs है और जो भी वॉक लेवल के जो कर्मचारी है उनको फिर से कार्य पे लिया जाए।